फर्स्टली गाइस हमें ड्रॉ करना है एक लाइन हमें इसे स्ट्रेट ड्रॉ नहीं करना है कुछ इस तरह से हम कर्व में से ड्रॉ करेंगे कर्व रहने चाहिए इसमें क्योंकि हम अगर इसे स्ट्रेट ड्रॉ करें तो ये अट्रैक्टिव नहीं लगेगा देन गाइस हमें गाय पर कुछ इस तरह का फुल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है विलय इसे करने के बाद फ्रेंड्स अब हम ड्रॉ रहे हैं कुछ इस तरह के ब्लॉक्स सेगमेंट के से फॉर्म में हम इन्हें ड्रॉ करेंगे आप सिंपली मुझे फॉलो कर दी जाइए अगर आपने ड्रॉ करना स्टार्ट नहीं किया तो मेरे साथ इसे कर दीजिए काफी सिंपल है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैं फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आप ऐसे ही डायग्राम्स की वीडियो देखना चाहते हैं वो नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए सब्सक्राइब करने बगल वाले बेल अकाउंट और उनका मत भूलेगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपलोड्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले ले सकें यहां पर हम टूर सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे ये लास्ट वन हम वॉ कर रहे हैं कुछ इस तरह से गाइस हमने इसे ड्रॉ कर लिया है ना गाइस हमें यहाँ पर नीचे से इसे ज्वाइन करना है अगेन यहां पर हम ज्वाइन कर देंगे ऊपर ले जाते हुए फोल्ड करते हुए इसे वापस ले आएंगे आप सिंपली मुझे फॉलो करते जाइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बना के दिखा रहा हूँ मैंने और भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाए हुए हैं उन वीडियोस का लिंक आपको राइट साइड ऊपर आप डेपर मिल जाएगा आप प्रेस करके चेक कर सकते हैं यहां से हमने इसे कनेक्ट कर दिया देन गाइस हमें यहाँ पर इसका एज वेनिंग पार्ट ड्रॉ करना है ना गायस हमें ड्रॉ करना है बॉटम पोर्शन बॉटम पोर्शन को जिस तरह से हम इसे कनेक्ट करेंगे गाइस अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां पे जाके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हाँ गाइस वहां पे मैं आपका सिंपली आंसर दे पाऊंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा ना हमने यहाँ पर कुछ इस तरह का ड्रा कर ली हमें कर्व लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें कर्व हो दे कट ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरह से ना कैसे हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ जो कि हमें ड्रॉ करनी है इसमें कुछ इस तरह की स्ट्राइप इसे हम थोड़ा पास ड्रॉ करेंगे मैं इसे इरेज कर देता हूं ना इसे थोड़ा सा हमें इससे पास में ड्रॉ करना है नियर अगर आप ज्यादा दूर ड्रॉ करेंगे तो ये अच्छी नहीं लगेगी आप देख सकते हैं मैंने काफी पास में ड्रॉ किया आपको ध्यान रखना है कि एनर और आउटर लिया के बीच का डिस्टेंस इक्वल रहे कुछ इस तरह से गाइस हम इसे ऊपर ले जाते हुए लीव कर देंगे ये हमने कर दिया ना गाइस इसे हमें ज्यादा थिक तो नहीं करना इतना ही हम करेंगे इसे हाँ बिल्कुल रेगुलर डिस्टेंस इनके बीच का रखना है और इसे नीचे तक हम ले जाएंगे मैंने और भी कई क्लास नाइन्थ तो तो टेंथ इलेवंथ और ट्वेल्थ डायग्राम बनाए हुए हैं उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां पे अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ढेर सारे डायग्राम देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है गायस अपनी क्लास के अकॉर्डिंग डायग्राम देखना मत भूलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आप डायग्राम देख सकते हैं ना आग यहां पर हमें कुछ इस तरह के सेगमेंट्स ड्रॉ कर लेने हैं हम ऐसे लेंस ड्रॉ करते जाएंगे कुछ इस तरह से गाइस हमने इसे ड्रॉ कर लिया ना गाइस हमें यहां पर कुछ इस तरह के डॉट्स ड्रॉ डो करने हैं ये काफी सिंपल है गाइस कुछ इस तरह से हमने डॉट ड्रॉ करके कर लिया कंप्लीट यहाँ पर हम हमें लास्ट ड्रॉ करना है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर और यहां पर हम बीच पर एक डॉट ड्रॉ कर देंगे मिडिल पोर्शन पर हम एक डॉट ड्रॉ करेंगे इसे हम पेंसिल की से कलर कर देंगे कुछ इस तरह से गाइस हमने इसे ड्रॉ कर लिया देन आफ्टर ये हमारे डायग्राम में कंप्लीट वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करने से ढेर सारे वीडियो को लिए हमें यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने से बगल वाले बेल आइकन आगे ऑन करना मत भूलेगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसे इजिली और सिंपल वे में ड्रॉ कर सकें गाइज अगर आपको किसी और डायग्राम में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएगा